हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज की वीडियो मैं शूट कर रही हूँ नाइट से। दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैंने कोई वीडियो आज शूट नहीं किया है। और आज है 29 अगस्त, तो नाइट में यहाँ पे मैंने खाने में बनाया है खीर, और यहाँ पे सब्जी बना ली आलू परवल की, साथ में मैंने पूरियाँ भी बना ली है। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे अभी बनाया है। और भी मैं यहाँ पे बस आ गई हूँ खाना निकालने के लिए, क्योंकि टाइम करीबन हो गया है 10:10। और आज हम लोग थोड़ा सा लेट खा रहे हैं। लेट क्या खा रहे हैं, 10 बजे तक लगभग हम लोग खा ही लेते हैं, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि आज किसी को भी खाने का मन ही नहीं कर रहा था। और कनक भी सो गई है, तो उसके पापा को मैंने कह दिया है कनक को उठाने के लिए, क्योंकि उसकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। उसे भी एक दो दिन से बुखार आ रहा है, और जिस वजह से वो बहुत थका हुआ फील कर रही थी, और उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, एक तो बच्चे की तबीयत ख़राब है और ऊपर से चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन, तो थोड़ा सा उसके ऊपर हेडेक बढ़ गया है अभी। तो वो सो गई थी, तो मैंने उसे सोए हुए ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा चलो जब खाने का टाइम हो गया तो उसे उठा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से सबका खाना मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, और बस यही है हम लोग का आज का डिनर। तो हस्बैंड भी खा रहे हैं यहाँ पे, और कनक भी खा रही है। ये छोटी थाली मेरी है, मैं हमेशा छोटी थाली में ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी थाली में खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब बड़ी थाली देख के ही मेरा मन पहले ही भर जाता है, ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी थाली में क्या खाना खाऊँ, तो मुझे छोटी सी थाली ही अच्छी लगती है। तो मैं सबसे जो छोटी थाली है उसी में मैं पर डे खाना खाती हूँ। और बस यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं। कनक का खाने का मन हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे ज़ोर ज़बरदस्ती किया, तो उसने थोड़ा सा ही खाया है, और बस वो खा के चली गई है यहाँ से, समझिए। और मेरा चेहरा आप लोग देख रहे होंगे, अपना ये क्लिप देखकर मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत करीबन 6-7 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। बुखार लग रही है, और बुखार की वजह से पूरे दिन मेरे सिर में इतना ज़्यादा पेन रह रहा है कि मैं बयां नहीं कर सकती। और बस दोनों तीनों टाइम मैं बस दवा पे चल रही हूँ 6-7 दिनों से, और जिस वजह से देख रहे हो आप लोग मेरा चेहरा एकदम कैसा हो गया है। और आज तो हद ही हो गई, मॉर्निंग से मैंने खाना खाया ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आज भूख नहीं लगी, और मैं ऐसे ही पूरे दिन रह गई। अभी नाइट हो गई है, सब ने खाना खा लिया है। उसके बाद नाइट में मैंने ब्लीच लगाया है, अभी करीबन 11 बजने को आए हैं, और दिन में मुझे टाइम मिलता नहीं है, और चेहरे की स्थिति ऐसी हो गई है कि क्या बताऊँ, मतलब बीमारी की वजह से ऐसी हो गई है। तो अभी मेरा ये 15 मिनट्स हो गया है, मतलब ब्लीच लगा के 15 मिनट्स तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही इसे निकालना पड़ता है। तो इसे निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉटन की रुमाल का यूज किया है। अगर आप चाहो लो अगर आप लोग चाहें तो टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी टिश्यू पेपर तो है, लेकिन वो टिश्यू पेपर मेकअप रिमूव करने वाली है। सूखी वाली टिश्यू पेपर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसका यूज किया है। कोई ज़रूरी नहीं कि टिश्यू पेपर का ही यूज करें, आप कोई भी सूती के कपड़े जो साफ सुथरे हो उसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसे पानी से पहले भिगा लिया था, और उसकी पानी पूरी अच्छे से निचोड़ के निकाल दी थी, और इसे आँखों से बचा के ही लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने आँखों के पास का जो भी एरिया था उसे छोड़ दिया था। और अभी अच्छे से मैंने अपने चेहरे को क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे स्क्रब, क्योंकि ब्लीच करने के बाद स्क्रब ज़रूर करनी चाहिए।
क्योंकि क्या होता है, ब्लीच करने के बाद जो स्किन होते हैं वो बहुत मतलब अंदर अंदर से फूले हुए रहते हैं, तो स्क्रब करने से चेहरा पूरी अच्छी तरह से मतलब क्लीन हो जाता है। तो यहाँ 10 मिनट तक मैं पहले स्क्रब करने वाली हूँ अच्छे से। स्क्रब करने के बाद इस पैक को मैं लगाने वाली हूँ, मार्क्स है ये, तो इसे ही मैं यूज करूँगी अभी। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है अच्छे से, और ये चारकोल फेस मास्क है, तो मेरे ख्याल से इसे आप गले पे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, वरना तो इसे निकालने के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है, तो गले पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप इस पोर्शन में मतलब चेहरे पे अप्लाई कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया है सेम ऐसे ही। तो ये मेरा सूख गया है, और इसे सूखने में करीबन मुझे 1.5 घंटे का समय लग चुका है, और अभी भी पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था कि जो मेरे होठों के ऊपर का पोर्शन है वो मुझे पता चल रहा है कि ये अच्छे से सूखा नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी है तो गर्मी की वजह से पसीना भी आ रही थी, और नाइट भी हो गई है, बहुत ज़्यादा नाइट हो गई है। 11 बजे के आसपास, 11:15, 11:20 के आसपास मैंने इसे अप्लाई किया था, और अभी 1.5 घंटे हो गए हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि समय कितना हो रहा है। 1 बजने को आए हैं, और कनक तो पहले ही सो गई थी, और हस्बैंड अभी तक सोए नहीं है, क्योंकि वो बहुत लेट ही सोते हैं, और दिन में मुझे टाइम मिलती नहीं है, जिस वजह से मैं नाइट में अपने लिए समय निकाल के ये सब कर रही हूँ। और जो लोगों ने नए विजिट किया है चैनल पे, तो आप लोग वीडियो को वॉच कर लीजिएगा पहले, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, इससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी, और वीडियो के माध्यम से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके आप लोग वीडियो को फुल वॉच करने की कोशिश करें, और जल्दी से जल्दी मुझे जो भी क्राइटेरिया मेरा बचा हुआ है उसे पूरा करने में सपोर्ट करें। तो आशा करती हूँ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और फुल सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा मार्क्स है, वो मैंने निकाल लिया है, लेकिन मेरे होठों के ऊपर ये मूँछ की तरह रह गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, जिस वजह से वो अच्छे से सूखे नहीं है, तो मैं इसे क्लीन कर लूँगी पानी की सहायता से। और यहाँ पे मेरा सारा चीज़ ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये अच्छे से सूखा नहीं है, जिस वजह से ये निकल नहीं पाया है, तो इसे मैं क्लीन कर लूँगी ठंडे पानी से।